मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? कैसबिन यस मैडम, एक्चुअली मुझे मैसेज आया था अभी कि आपका लोन ड्यू हो गया है 8/2 को। ये फेब्रुआरी का लोन था जी और एनपीए में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्या लपड़ा क्या है ये? एनपीए का क्या लपड़ा है आपका? जी सर, आपका रजिस्टर नंबर है जिस नंबर से आपने मुझे कॉल किया सर? हाँ यही नंबर है मेरा, जी नाम बताइए अपना। मयंक। जी देखिए मैं जो मैं चेक कर पा रही हूँ, आपकी जो ड्यू डेट थी आपकी फरवरी की थी सर, ठीक है, 8 फरवरी की, जिसमें कि आपने अभी तक अपना पेमेंट नहीं किया है सर, ठीक है सर। हाँ तो आपसे जी तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना पेमेंट जल्दी क्लियर कर लीजिए, नहीं तो इससे आपको जो सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है सर, ठीक है सर। सिविल से इम्पैक्ट पड़ता है आप लोग का? जी बिल्कुल सर, आपका सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है सर, ठीक है। जो भी आपने अमाउंट लिया है अगर वो आपका ओवर ड्यू हो जाता है तो आपको जो सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपना पेमेंट आप जल्दी क्लियर करवा लीजिए सर, ठीक है सर। लेकिन मुझे तो पेमेंट करना ही नहीं है। सर देखिए वो आपकी चॉइस रहती है, अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं देन ओके सर, बट ये आपका सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है, करता है सर, वो ठीक है तो सर, और ठीक हो जाता है, लेकिन मैं पेमेंट है। करना चाहता हूँ इन फ्यूचर। जी सर देखिए, अगर आप इन फ्यूचर जब कभी भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन को जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑल डिटेल आपको मिल जाएगी। देन आपको जो भी आपका विद पेनल्टी के साथ में अभी तक जो आपका अमाउंट हो चुका है 22,304 रुपये हो चुके हैं सर। अरे बाप रे, 22,000 का चुना। जी सर, तो 22,304 रुपये हो चुके हैं आपका विद पेनल्टी के साथ साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगे प्लीज अपनी पेमेंट जब भी आप क्लियर कर अगर ये लीजिए नहीं देन। भरते, समझो और 1 साल नहीं भरा तो कितना हो जाएगा? 50,000। जी सर देखिए, आपसे माफी चाहूंगी, आपकी एप्लीकेशन पे सर शो कर जाएगा सर। और कोई जानकारी इसके अलावा सर? हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए आपको, फोन रखने की बहुत जल्दी लगता जी सर बताइए, और क्या जानकारी चाहते हैं? जी है। हाँ मैंने आपकी कंपनी से बहुत बार लोन लिया है, आपको दिख रहा है? बिल्कुल सर, सिस्टम में दिख रहा है क्या? बहुत बार मैंने लिया दिया दिया दिया, पता है? जी दिख जी रहा है बिल्कुल, मैं आपको? चेक कर पा रही हूँ सर। तो उसका मुझे एक्चुअली जीएसटी नंबर फाइल करने का था। तो जीएसटी आप लोग ने जो भरा है, मैंने जो यहाँ से भरा है, तो उसका मुझे कॉपी मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल, आप हमें मेल कर सकते हैं सर इसके रिगार्डिंग सर, ठीक है, cashbin.help@pcfinancial.in सर। एप्लीकेशन पे कस्टमर सर्विस पे आप क्लिक करेंगे आपको मेल आईडी मिल जाएगी, आप उसी मेल आईडी पे आप हमें मेल कर दीजिए, देन बिल्कुल हमारी सर से जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सर, ठीक है सर। लेकिन अभी कर दो ना, आपसे बात तो हो गई, मेल क्या करूँ? सॉरी फॉर दैट सर, मैं जब से माफी चाहूंगी, ऐसे मैनुअली आपको नहीं दी जाती है, आपको उसकी रिगार्डिंग आपको हमें मेल करनी होती है सर, ठीक है सर। लेकिन मैंने मेल कर चुका हूँ 2 दिन पहले। मयंक मेल आईडी बताइए सर अपनी, rajsatta@gmail.com, सॉरी mayankrajsatta786@gmail.com। आपको कोई मेल पे रिवर्ट आया सर? यही ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल, वही मैसेज आ रहा है, वही आ रहा है। जी सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज अपनी एक बार मेल आईडी चेक कर लीजिए, आप जैसे ही मेल करते हैं हमारे 24 to 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको मेल का रिवर्ट आ जाता है सर, ठीक है। तो आपको मेल का रिवर्ट बिल्कुल आया होगा, एंड आपकी जो मेल आईडी आपने मुझे कंफर्म करवाई है, मैं आगे यहाँ से फॉरवर्ड कर देती हूँ मेल डिपार्टमेंट में कि जो भी आपका मेल आया है उसको चेक करके आपको एज वेल सून एज पॉसिबल आपको जल्द से जल्द मेल का रिवर्ट दिया जाए सर, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 सवाल पूछने थे। जी सर बताइए सर, पूछो ना, बुरा तो नहीं मान रहे हैं ना आप? आपसे माफी चाहूंगी, अगर आप कैशबिन के रिगार्डिंग कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा सर। हाँ तो पूछ रहा हूँ कि जी आपके सर, जो एजेंट है वो कांटेक्ट में कॉल करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है? जी सर देखिए, आप जो भी अपने रेफरेंस में नंबर देते हैं उनको आप जो उनसे कांटेक्ट किया जाता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो सर, ठीक है सर, कलेक्शन टीम के चार्ज सर, ठीक है सर। हाँ हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे सारे एजेंट ने सारे कांटेक्ट में कॉल किए थे, उसका क्या कारण है? जी सर देखिए, आपसे माफी चाहूंगी, अगर आपको जो है और भी कांटेक्ट में अगर आपको कॉल किया गया है तो उनके तो नंबर उसके आपको लिए मुझे भी सेंड मुझे कर दें। उसके लिए भी आपको मेल करना होगा, राइट? जी बिल्कुल, आपको जो उनके अकॉर्डिंग जो है जिस नंबर से आपके पास में कॉल आया है वो नंबर आप हमें सेंड कर दीजिए, बिल्कुल हमारी साइड से जो फाइंड अप किया जाएगा सर, लेकिन ठीक है उसके लिए सर। मैंने ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ, एक 15 दिन पहले भी किया है, उससे पहले भी 15 महीना भर पहले किया है। आपको मेल का रिवर्ट आया था सर? रिवर्ट तो आता ही नहीं, वो बोलते हाँ करते हैं, और मैसेज तो आते ही रहते हैं, वी विल कॉल ऑन ऑल कॉन्टेक्ट, ऐसा मैसेज तो आते ही रहते हैं, मतलब ऑल कॉन्टेक्ट के मैसेज आते हैं आपके वहाँ से। जी जी बिल्कुल सर, देखिए अगर आपका पेमेंट जो है काफी डिले हो चुका है जिस वजह से आपके जो है रेफरेंस में जो है कॉल की जा रही है सर, ठीक है, तो आपसे माफी चाहूंगी। मतलब अथॉरिटी है आपके पास के सारे कॉन्टेक्ट को आप कॉल कर सकते हो? जी बिल्कुल सर, ठीक है, अच्छा, अगर मतलब अगर आप ये, प्रॉब्लम हो, मतलब उस मेरी चीज बात को आप सॉरी, मानते हो कि मेरा कॉल चालू होते हुए भी आप मेरे रिश्तेदार को कॉल करके पैसे मांग सकते हो? सॉरी फॉर दैट सर, मेरी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, हाँ माफी बोल। चाहूंगी सर।
अगर आप कॉल पिक नहीं करते हैं तभी अथॉरिटी होती है कि आपके रेफरेंस पे कॉल किया जाए। अगर आप कॉल पिक करते हैं बिल्कुल हमारी साइड से ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है, अगर फिर भी कोई आपको कॉल करता है तो बिल्कुल आप हमारी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे सर कंप्लेंट कर सकते हैं सर इसके अगेंस्ट, ठीक है सर। बिल्कुल तो हमारी साइड से सोता भी हूँ ना, सोता भी हूँ तो फोन बाजू में लेके सोता हूँ, मेरा फोन कभी बंद नहीं रहता। जी बिल्कुल सर, तो आपसे माफी चाहूंगी आपको जो भी प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा कोई और जानकारी सर? हाँ, और आपका ऑफिस किधर है ये एग्जैक्टली? क्योंकि बहुत से लोग आए थे आपके ऑफिस में देखने के लिए, जरा तो मिला ही नहीं। जी बिल्कुल सर, देखिए आप जो है हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, अबाउट अस में आपको जाएंगे आपको ऑल डिटेल आपको हमारे बारे में मिल जाएगी सर। नहीं नहीं, नहीं मुझे आपके ऑफिस में आके अगर चाय पीनी है, कस्टमर हूँ मैं, आके चाय पीनी है तो नहीं आ सकता हूँ क्या? तो देखिए अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, कोई अदर डिटेल आप हमसे पूछेंगे तो आपकी कॉल जो है डिस्कनेक्ट की जा सकती है। अरे तो मैंने तुम्हारा जन्मदिन नहीं पूछा हूँ ना, तुम्हारा एड्रेस तो नहीं पूछा, कंपनी का एड्रेस पूछा हूँ ना। बिल्कुल सर, मैंने आपको बता दिया है, आप जो है हमारी जो है एप्लीकेशन पे जो है आपको विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको जनरली हमारी एप्लीकेशन पे जो है आपको हमारे और जो है जहाँ पे भी हमारा हेड ऑफिस है आपको ऑल डिटेल मिल जाएगी। नहीं तो आप जो है गूगल पर जो है हमारी जो जो हमारी रजिस्टर्ड जो है एप्लीकेशन पे जो आपको मिल जाएगा। मुझे बताएंगे आप रो क्यों रही है, आपके आंसू क्यों आ रहे हैं आपके? सर आपसे माफी चाहूंगी अगर आपकी जो है कॉल को जो है आपको कोई भी बात अगर आपको रिलेटेड करनी है कैश फी से, प्लीज आप हमसे कंफर्म कर लीजिए सर, ठीक है। आप तो हमारी ऑफिस, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपकी ऑफिस किधर है? आपके ऑफिस में जो एड्रेस गूगल पे है ना प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आके आए हम लोग, नहीं मिला वो। जी बिल्कुल सर, आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो हमारी वहाँ पे जो है डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं सर, ठीक है। लेकिन नहीं मिला ना ऑफिस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, हमारी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हमारी जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है सर, आप जो है गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। और कोई जानकारी इसके अलावा सर? हाँ हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपका ऑफिस किधर है, वहाँ पे नहीं मिला मुझे, मैं आया था देखने के लिए। सर आपसे माफी चाहूंगी, आप जो है सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके जो भी आपको। सर्च करके तो आया था ना, सर्च करके ही आया था मैं तो। जी सर देखिए, आपसे माफी चाहूंगी, आप अगर वहाँ पे जाते हैं विजिट करते हैं आपको ऑल डिटेल मिल जाती है आपको हमारे बारे में कि हमारी जो है हमारा ऑफिस कहाँ पे है कहाँ नहीं है सर, ठीक है सर। इतनी घबरा क्यों रही हो आप मुझसे बात करते करते? क्लियर क्लियर बोलो ना कि सर मेरा ऑफिस इधर, आप आइए बिंदास आइए सर, चाय नाश्ता करके जाइए और पैसा भी दे दीजिए लोन का, ऐसा खुला खुला नहीं बोल सकते क्या आप लोग? जी सर देखिए, आपसे माफी चाहूंगी बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप माफी मांगने की क्या जरूरत है बेटा, माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपका एड्रेस ही मांगा हूँ ना मैंने कुछ आपका मोबाइल नंबर मांगा, पर्सनल नंबर दो मैडम, आप बहुत अच्छी बात करती हो, आपकी आवाज अच्छी, ऐसा कुछ मैंने गलत बात की क्या आपसे? सॉरी फॉर दैट सर, अभी आप एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए सर, माय अकाउंट। अरे एप्लीकेशन में विजिट में हमेशा से करते आ रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं जो मुझे चाहिए। क्या हुआ सर? देखिए आप ना एक ही क्वेश्चन मुझसे बार बार किए जा रहे हैं जिस वजह से आपकी जो है कॉल कर डिस्कनेक्ट की जा सकती है सर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इसके अलावा कोई और जानकारी चाहते हैं आपसे मुझसे सर? अभी आप जानकारी दे नहीं रहे हो, डर रही हो शायद आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं डर रही, हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है सर, आपको जो भी आपको डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगी आपको गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे आपको जेन्युइन डिटेल। दूसरा सवाल पूछता हूँ, दूसरा सवाल पूछता हूँ, आरबीआई ने कहा है आपसे कि अगर लोग पेमेंट नहीं देते तो उनके सारे रिश्तेदार को कॉल करो, ये कहती है आरबीआई? जी बिल्कुल नहीं कहती, वही मैंने आपको पहले भी आपको मैंने बोला है कि अगर हमारी साइड से अगर ऐसा कॉल किया जाता है तो बिल्कुल आप जो है उसके अगेंस्ट जो हमसे कंप्लेंट कर सकते हैं सर। आपको मैंने पहले तो भी आपको लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं मिला बराबर। जी सर आपसे माफी चाहूंगी, अगर हमारी साइड से आपको रिप्लाई नहीं किया गया है तो आपको जो मेल आपने मुझे बताया बिल्कुल मैं आके यहाँ से फॉरवर्ड कर देती हूँ कि आपको जो है मेल का जो है जल्द से जल्द जो है रिवर्ट दिया जाए एंड आपकी जो भी कंप्लेंट है हमारी साइड से बिल्कुल फाइंड आउट किया जाए एंड आपको जो है रिवर्ट दिया जाए सर मेल। अच्छा आपका नाम क्या है, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? सर सोनम सर। सोनम पूरा नाम क्या है? जी सर आपसे माफी चाहूंगी इसके अलावा और मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगी सर। कैश अरे नाम ही तो पूछ रहा हूँ ना, कौन सा मैंने यार मैडम क्या आप भी यार, नाम पूरा नाम जानना अधिकार नहीं है कस्टमर का। सोनम सर अगर अगर कोई बैंक में जाता है तो अगर आईडी कार्ड रहता है तो पूछता है ना नाम क्या है पूरा, तो पूरा नाम बताते ना। जी सर देखिए सोनम चौहान सर, और कोई जानकारी सर इसके अलावा सर? हाँ सोनम चौहान, ओके कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने जानकारी मुझे पूरी तो दी नहीं है लेकिन ठीक है मैं समझ गया। जी सर कोई जानकारी सर इसके अलावा सर? नहीं नहीं मिल गया जितना मिलना था मुझे, बाकी मैं देख लेता हूँ।
जी सर, एक और जानकारी देना चाहूंगी सर आपको, कैश बैंक कभी भी आपको ऑफलाइन लोन प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही आपसे कोई भी एडवांस अमाउंट लिया जाता है, ठीक है सर? तो बी अवेयर रहेगा फ्रॉड पे, कैश बैंक में कॉल करने के लिए क्या रहने का, हमको तो देना ही नहीं है भाई, हम तो अभी क्या बोले, और लोन दे रही है भी नहीं, अभी और एक सवाल पूछना था, लोन दे रही है आगे की अभी भी नहीं दे रही है? बिल्कुल सर, हमारी साइड से जो है लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सर, और कोई जानकारी इसके अलावा सर? अच्छा दे रहे हैं ना, बहुत से लोग अभी ट्राई कर रहे थे, मैंने बोला डालो फेक कॉन्टेक्ट और ले लो लोन इनसे, लेकिन दे नहीं रही है। सॉरी फॉर दैट सर। सर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहते हैं सर आप? मैं बहुत घबराती हूँ यार, इतना घबराने का नहीं जी सर। देखिए आप भारतीय नारी सबसे भारी, सॉरी फॉर दैट सर, आप जैसे कैश बैंक से रिलेटेड कोई भी मुझसे जानकारी नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से हमारा एक्चुअली ब्रेन वॉश किया गया है। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। हमारी ग्राहक सहायता कार्य